Our greatest weakness lies in giving up. And the most certain way to get succeed is to just try one more time. Hello everyone. मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको एक अवेयर कराना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम से जो अभी आज के डेट में हर जगह है. चाहे आप कोई भी स्टूडेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव दे रहा हो, चाहे सीए की या मेडिकल की या IIT-JEE की, कॉलेज इंजीनियरिंग की, किसी भी चीज़ की अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम फेस कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ. जैसे कि अपने APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अवेयरनेस इज़ द ओनली वेपन, अवेयरनेस एंड द एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन दैट कैन चेंज योर एंड योर फैमिली बैकग्राउंड. तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ. जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से आज जिस तरीके से एजुकेशन चल रहा है अपना, जैसा चलना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी कोई जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें. तो आज की डेट में मैंने जो देखा है इतने सालों में, इतने जगह पढ़ाने के बाद, कि मोस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, कि आज क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो जब भी टेंथ पास करके 11th 12th में आ रहे हैं, वो कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव की तैयारी करना चालू कर रहे हैं, चाहे वो CA हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कि मेडिकल हो, कुछ भी हो. तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेंटली जिस भी चीज़ के लिए तैयारी करना चालू किए हैं उसको गिव अप कर देते हैं. ठीक है क्या? तो सबसे पहले अब ये सवाल आता है कि हाँ सर, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उससे पहले अपन को ये जानना होगा कि सर प्रॉब्लम क्या है, व्हाई स्टूडेंट गिव्स अप. वो फिजिकली नहीं छोड़ते, वो जाते हैं प्रॉपर, अगर स्कूल जा रहे हैं स्कूल जाते हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग जाते हैं तो जाते हैं, बट मेंटली वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ चुके होते हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वो एकदम छोड़ देते हैं. तो सर इसका प्रॉब्लम क्या है, पहले तो अपन को ये जानना है कि ऐसा होता क्यों है, तब अपन उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो जैसे मैंने अपने इतने साल के टीचिंग करियर में देखा है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की वजह से है वो निकल के आई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि एक इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा है, एक इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है. टेंथ तक बच्चे का पढ़ने का तरीका ही अलग था, टेंथ तक उसको जो फीड किया गया वो अलग था, टेंथ तक उसकी तैयारी अलग थी, टेंथ तक उसकी हैबिट्स अलग थी. इलेवेंथ में आपने अचानक से एक चुटकी बजा के उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी. तो अपना ह्यूमन का ये नेचर है, उसमें उसके उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें ये अपना ह्यूमन का नेचर ही है कि अपन जल्दी से चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो सर सॉल्यूशन क्या है अभी अपन आगे देखेंगे. दूसरा है कि सर अपन ने, इसमें भी बच्चे की कोई गलती नहीं है, अपन ने, इन्वायरमेंट ने, टीचर्स ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, पेरेंट्स ने गोल ही गलत सेट कर दिया है बच्चे के दिमाग में. क्या गोल गलत सेट किया, ये भी अपन बात करेंगे. कई बच्चे किसी चीज़ को ट्राई करने से पहले ही सोचने लग जाते हैं यार इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि इमेज कुछ और है, उनको प्रॉपरली कोई गाइडेंस मिली नहीं. ठीक है, और फिर आता है एक लास्ट डिस्कशन, डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों का, आप बोलते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये फ़ोन का, किसी को गेम का, ये सारे डिस्ट्रैक्शन है. कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. अब गांधी जी के बंदर बन के बैठ जाते हैं कि चलो ये भाई नहीं हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है, जबकि मालूम है पूरी जगह हर चीज़ चेंज हो चुकी है. आज की सिचुएशन और आज से 10 साल पहले की सिचुएशन अलग थी. आज मुझे मालूम है कि मैं बच्चों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे रहता हूँ, तो वो मुझे हर चीज़ शेयर करते हैं. मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ एकदम फ्रेंड से फ्रेंड बन के रहूँ, तो मुझे मेरे साथ डिस्कशन करते हैं. काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे ये बात करते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कारण. तो वो ये बात क्यों अपने पेरेंट्स तक, किसी और टीचर तक नहीं लेके जा पाए, मेरे तक लेके आ पा रहे हैं? और अपन करते क्या है, जनरली अपन बोलते थे नहीं ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी. आप किसी बच्चे को बोलो ये नहीं करना, वो उस चीज़ को ज़्यादा करेगा. अपन मना कर देते हैं लेकिन उसके बारे में कभी बात करते ही नहीं है. क्यों? गांधी जी के बंदर बन के बैठने से थोड़ी ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा. आज चीज़ें चेंज हो गई हैं, आज आपको डिस्कस करना है, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से क्या चीज़ को बैलेंस करके चलना है, कैसे करना है हर चीज़ों को. तो लोग करते ही नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता ही नहीं है. ठीक है, तो अपन एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं. अब सडन चेंज इन एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया, बच्चे की हैबिट हो जाती है. स्कूलों में आपको मालूम है सर सिलेबस एकदम कम है,
क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, अरे भाई एक चैप्टर में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। याद कर लो, अगर आपका आईक्यू उतना अच्छा नहीं है फिर भी बच्चा रट के एक 90+ परसेंटेज लेके आ सकता है आराम से 10th तक। तो एक बच्चे की हैबिट हो गई है 90%, 80%, 70% देखने की, ये एक हैबिट बन गई है। वर्कलोड एकदम कम है, मस्त आराम से 4 घंटा क्रिकेट खेल रहा है, 2-4 घंटे आराम कर रहा है, 5-6 घंटे टीवी के सामने बैठा है, आराम से उसका टाइम पूरा निकल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोड कम है, एकदम सब चीज एकदम कंफर्ट जोन में है वो बच्चा। अब आप उस बच्चे को 10th पास होते ही डाल दिए किसमें, 11th 12th के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब यहां पर टीचर क्या बोल रहे हैं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे कोचिंग आना है, भाई पूरी लाइफ चेंज। यहां पर बच्चा एग्जाम देने बैठता है, 30% 40% एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं, तो फिर वो अब आदत है 80% 90% देखने की, अचानक से 40% 50% बच्चा तो ऐसे ही आपका डिप्रेशन में चल जाएगा। तो ये सारी चीजें चेंजेस जो हैं ये एक बार में ला दी गई है अपने एजुकेशन में, जबकि वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। 11th 12th में IIT-JEE, NEET CA आप कोई भी एग्जाम देखो लेवल यहाँ पर है, और 10th तक का लेवल यहाँ, इतना बड़ा वास्ट गैप कर दिया गया है, ये चीज की प्रॉब्लम है, जिसके लिए आजकल थोड़े बहुत सॉल्यूशन आ रहे हैं। 9th 10th 10th में ही थोड़ा एडवांस उनको पढ़ाया जाता है, उनका दिमाग थोड़ा खोला जाता है, आईक्यू डेवलप कराया जाता है, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें कि आप एक सडन चेंज से मत डरो, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। जो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट किए हैं आज वही एक अलग लेवल पे हैं। तो आपको एक बात ये अपने अंदर डालनी होगी कि आपको चेंजेस आएंगे, सिचुएशन अलग आएगी, आप कुछ और सोच रहे हो, सिचुएशन हमेशा कुछ और आएगी लाइफ में, तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आपको उसके बारे में आपको वो होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, आपको रेडी रहना है हर सिचुएशन फाइट करने के लिए, गिव अप नहीं करना है। दूसरी प्रॉब्लम जो है, रॉन्ग गोल सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ। सारे बच्चों के मेनली अब क्या होता है, अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, आप स्कूल्स में गए, स्कूल्स वाले को चाहिए परसेंटेज, भैया हमारे इतने सारे बच्चों का 100 out of 100 percentile आया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हमारे इतने सारे बच्चे IIT-JEE में सेलेक्ट हो गए, इतने सारे बच्चे मेन्स में सेलेक्ट हो गए, वो चीज के कारण बेचारे बच्चों को प्रॉपर जो चीज मिलनी चाहिए, जो चीज बच्चों का फायदा होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अब बच्चे के दिमाग में पहले ही कर दिया जाता है IIT-JEE में रैंक लाना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब आप एक बात बताओ मेरे को, हर साल 10 लाख लोग IIT-JEE के लिए बैठते हैं हर साल, उसमें से सीट्स कितनी मिलती, कितने लोगों को मिलती है, 10,000, बाकी कहाँ गए, 9,90,000 लोगों के स्टूडेंट्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि उनको क्या चाहिए। लोगों के दिमाग में गोल ही गलत बैठा दिया गया है IIT-JEE, जबकि मैं बोलता हूं कि गोल आपका जो है वो आपका डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, आपका जो गोल है वो डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, आपका जो गोल है वो पाथ होना चाहिए, पाथ मस्ट बी गोल। आपका जो पाथ है अगर आप उसको गोल बना लो कि मेरे को IIT-JEE के लिए अच्छा ये पढ़ना है, इसमें इंटरेस्ट लेके करना है, तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। आप देखो जैसे यहां पर मैंने एक इमेज डाली है, यहां पर पाथ में आपके बीच में गैप है, अगर आप पाथ को अपना गोल बना के चलोगे तो अगर आप पाथ में कोई भी मुश्किल आती है आप उसको लड़ने के लिए रेडी रहोगे कि हाँ अपन को वहां पर कुछ करना है, साइड से निकल के जाना है, क्या करना है। बट अगर आप सिर्फ गोल अपना IIT-JEE रैंक ये बना के चल रहे हो, आप रोड की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अरे भैया गड्ढा आया, गिर गए, खत्म खेल वहीं पर, गेम ओवर, टंटनन, बात समझ में आ रही है क्या। तो आपको सबसे पहले तो भैया गोल चेंज करना है, भूल जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब पैसा कमाने के लिए है, रैंक आएगा तो बच्चे आएंगे, बच्चे आएगा तो पैसा आएगा, बात समझ में आ रही है। आपको अपने ऊपर डेवलपमेंट में ध्यान देना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बचपन में 10th तक बहुत गधा बच्चा था, और आज मुझे मालूम है कि मैं कितनी सारी चीजें सीख रहा हूं, कर रहा हूं, मेरे काफी सारे सीनियर से ज्यादा मैं आगे निकल चुका हूं। तो अब मुझे ये मालूम है ये चेंजेस क्यों आए, कैसे आए। जो 11th 12th में मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी, भले ही मेरा रैंक आया IIT-JEE में, लेकिन मैं IIT कॉलेज में नहीं गया, बट मुझे मालूम है वो 11th 12th जो 2 साल मेरे अंदर चेंज लेके आए, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए मेरे IQ को, मेरे सोचने की क्षमता को, मुझे मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट था। आपका पाथ हमेशा इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन, अगर पाथ में ध्यान दोगे तो डेस्टिनेशन तक जरूर पहुँच जाओगे, लेकिन सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ देख कर चल रहे हो तो कहाँ गड्ढा आ जाएगा, कहाँ गेम ओवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये वीडियो गेम नहीं है कि आपको बार बार चांस मिले, बात समझ में आ रही है क्या। तो हमेशा पाथ में कॉन्सेंट्रेट करो, हमेशा पाथ में कॉन्सेंट्रेट करो, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट और है,
कई लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, पहले ही सोच के बिना एक्सपीरियंस किए किसी चीज को बोल देते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग पहले सोचते हैं कि नहीं मेरे को पूरी चीजें बताओ कैसे होगी क्या होगी, वो हर चीज को एकदम बिना करे ही समझना चाहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अब एक बात बताओ, आप अगर किसी रात को किसी एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए निकले, मान लो मैं हैदराबाद से नागपुर के लिए एक कार में निकल रहा हूँ, क्या मैं यहाँ से लेकर के नागपुर तक का पूरा रास्ता एक बार में देख सकता हूँ क्या? नहीं, मेरे जो गाड़ी की जो लाइट है वो सिर्फ थोड़े दूर तक ही लाइट कर रही है। अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मेरे साथ साथ तो लाइट आगे जा रही है और वो पाथ को लाइट करते जा रही है। एक बार में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सब कुछ एक बार में करना चाहोगे तो नहीं होगा, आपको एक एक स्टेप बढ़ाना है। आप एक स्टेप बढ़ाओगे फिर थोड़ी लाइट दिखाई देगी, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, फिर एक स्टेप आगे बढ़ाना है फिर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, फिर एक स्टेप बढ़ाना है धीरे धीरे। अगर एक एकदम छोटा सा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, वो उसको आप पहले स्क्रॉल करना नहीं सिखाए, सब कुछ करना नहीं सिखाए, डायरेक्ट बोलते हो दौड़ दौड़ दौड़, क्या होगा? बेचारा गिर जाएगा। बट आप उसी को सिखाओ, पहले भाई गुलाटी मारना सीख, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रॉल करना सीख, फिर टेबल को पकड़ के चलना सीख, उसके बाद फिर चलना सीख, फिर भाग, तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो सिंपल सी चीज है कि आप किसी चीज को पहले ट्राई तो करो, एक्सप्लोर तो करो, फिर बोलो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और ये भी जो मतलब मेन जो प्रॉब्लम है वो ये कि आपने गोल ही गलत सेट कर रखा है। आपका गोल गलत सेट रहेगा तो आप हमेशा गलत डिसीजंस लोगे, लेकिन आपका गोल सही है तो आप सारे के सारे डिसीजन सही लोगे। नेक्स्ट है कि सर डिस्ट्रैक्शंस, मैंने थोड़ी बहुत बात करी डिस्ट्रैक्शंस की कि जैसे कई लोग फोन में लगे हुए हैं, गेम में लगे हुए हैं, आजकल जो मेन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं भले ही मुझे मालूम है कि मैं ऐसी बातें करूंगा पेरेंट्स बोलेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने, बट आपके आंख नाक मुंह बंद करने से जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी। आज फैशन बन गया पता नहीं क्यों, हर जगह हर चीज, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, आपको अपने बच्चों से अपने फ्रेंड से वो चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है गर्लफ्रेंड है कौन है, बॉयफ्रेंड है कौन है, कहाँ है, कैसा है, अब भी जानो उसको। कुछ गलत आपको लगता है आप बताओ क्या है उस चीज़ के बारे में, उनको बताओ कि कैसे कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से। आपके मना करने से वो मानने वाला नहीं है, ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप किसी भी बच्चे को किसी भी गलत चीज से दूर नहीं कर सकते, आप उनको किसी अच्छी चीजों से जोड़ सकते हो, ये बात याद रखना। तो उनको किसी अच्छे चीजों से जोड़ो, आप उनको अपने साथ जोड़ो। आज बच्चे एक पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों की थिंकिंग में जमीन आसमान का अंतर है। आप अपनी थोड़ी थिंकिंग बदलो, अपने स्टूडेंट्स जो जितने भी बच्चे हैं उनको अपने से कनेक्ट करो, उनको दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करो, उनको कुछ एक्सपीरियंस कराओ, या तो कुछ ट्रैवल कराओ, एक्सपीरियंस कराओ, ताकि उनके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें फिट हों। ऐसे बोल देने से यार फेसबुक नहीं चलाना, फेसबुक चलाना अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, ये वो, मैं नहीं मानता भाई। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, हर चीज़ का एक्सपीरियंस करो, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ो। बात समझ आ रही? आप मना करोगे किसी स्टूडेंट को तो सिर्फ काम नहीं चलने वाला। या कब किसी दिन आए घर में, स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा नहीं आया, डांट दिए और लगे रहो दिन भर फेसबुक में, ये वो बोल दिए, नहीं काम करने वाला भैया, कभी काम नहीं करने वाला। बात समझ में आ रही है क्या? और है कि नो बोलना अपन को नहीं आता, सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन है। अपन हाँ तुरंत बोल देते हैं, कोई आया मूवी चलना है, हाँ ये करना है, हाँ वो करना है, हाँ अपन हाँ तुरंत बोल देते हैं, लेकिन अपन को ना बोलना नहीं आता। अपन को ना बोलने की आदत डालनी है, सोच समझ के कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे को ना बोलना है। जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं आज, किसी भी जो पूरे चेंज कर रहे हैं, पूरे हिस्ट्री में आ गए हैं आज चीज़ों को चेंज करके ह्यूमैनिटी में, तो उन सबको अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने कुछ अलग से कुछ नया काम नहीं किया, जो अपन कर रहे हैं वही काम करते हैं वो। उन्होंने कुछ चीज़ नहीं करी, वो क्या है? नो बोलना, कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, सिर्फ ये काम करना। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये डिस्ट्रैक्शन हो गए। मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जहाँ पर सिर्फ रेस लगी हुई है, स्टूडेंट्स के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, सिर्फ सब अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए पढ़ाई को इंजॉय करना, पढ़ाई के साथ कनेक्ट होना, हमारे साथ कनेक्ट होना, इसलिए मैं एकदम बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली हो सकता है, मैं क्लासरूम में, ऑनलाइन में, फ़ोन में, मेरे इतने सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं, सर मैं 10th बोर्ड में भले 99% ना लेके आऊँ, 95 लेके आ जाऊँ, लेकिन साथ में एक और चीज़ सीख लूँ। मैं बोलता हूँ वेरी गुड। मैंने कभी नहीं बोला अपने बच्चों को कि मेरे को 100% चाहिए भाई तेरा बोर्ड में, तू 100 की जगह 95 लेके आ, बट अपने आप को एक्सप्लोर कर किसी चीज़ में, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग अपना डेवलप कर रहा है, वेरी गुड।
अगर कोई बच्चा 100% लेके भी आ रहा है 10th बोर्ड में 12th बोर्ड में, लेकिन अगर वो उस चीज में पूरा अपना 2 साल गायब कर दिया उस चीज के लिए, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ नहीं सीखा, तो मुझे नहीं लगता सर कि वो कोई मतलब का है। आप इंजॉय करते हुए, कुछ चीजें सीखते हुए, अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए ला रहे हो, वेरी गुड। उस वैसे में अगर आप 90% ला रहे हो, 95% ला रहे हो, तब भी इट्स वेरी गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से आज एजुकेशन कराई जा रही है, मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज को चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप और मैं मिलकर ये काम कर सकते हैं, ठीक है क्या? तो होप कि मेरी कुछ बातें आपके काम की हों, कुछ नहीं लगे काम की उठा के फेंक दो, जो लग रही है काम की उनको एक्सेप्ट कर लो और एक चेंजेस लाओ, ठीक है क्या? फिर मिलते हैं।